जो आपका जिस्पा में है, और ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा है। ये हेवन किचन है, इसके बिल्कुल सामने भैया बहुत अच्छे हैं जो उन्होंने, और हेल्पफुल भी है। चलो जय बोलेगी, चलते हैं आज भोले का नाम लेते हैं और देखते हैं आज करू पहुंचने की कोशिश करते हैं। चलो तो चलिए चलते हैं अभी हम जिस्पा से करू की तरफ। और जिस्पा जो गांव है काफ़ी सुंदर है, और ये जो जिस्पा गांव है ये लाहौल ज़िले में पड़ता है और भागा नदी के जो है किनारे बसा हुआ है। काफ़ी सुंदर गांव है, और जिस्पा से जो बारालाचा की जो दूरी है वो करीब करीब 2 घंटे का सफ़र यहाँ से है। और जिस्पा जो है एक आप स्टे करने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है, यहाँ पर होटल भी हैं और टेंट भी है, आप जो है किसी में भी रह सकते हैं। और यहाँ पर पिकनिक स्पेस भी है, नदी किनारे काफ़ी जगह भी है तो हमने देखा था। और ये यहाँ पर होटल काफ़ी अच्छे अच्छे भी बने हुए हैं, और यहाँ पर गर्मियों में कभी भी जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री से नीचे नहीं जाता है, तो 15 और 20 के आसपास रहता है। और हम कल रात यहाँ जब रुके थे तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो -1 तक पहुँच चुका था, रात में काफ़ी ठंड थी। और जिस्पा गांव का जो एल्टीट्यूड है वो समुद्र तल से करीब 10,500 फीट की ऊंचाई पर है, और यहाँ का वेदर काफ़ी अच्छा रहता है, गर्मियों के मौसम में भी अच्छा रहता है और सर्दियों में तो ये माइनस में चला जाता है। और यहाँ के जो आप पहाड़ देखेंगे उबड़ खाबड़ है, लेकिन बहुत अच्छे जो है सुंदर प्रतीत दिखते हैं। अभी चलते हैं हम जो है धारचा की तरफ। धारचा यहाँ से 15-20 किलोमीटर की दूरी पर, और अभी हम तो जो है ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं धारचा। और ये जो राइट हैंड साइड पे भागा नदी के किनारे, आपको थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको धारचा दिखेगा। ये धारचा का फ्लाईओवर है जो भागा नदी के ऊपर बना हुआ है, और यहाँ आगे चल के जो है चेक पोस्ट पड़ता है जहाँ हमें जो है एंट्री करानी पड़ती है यहाँ पर ले जाने के लिए या कश्मीर जाने के लिए। यहाँ पर जो है आपको एंट्री करानी पड़ेगी, चाहे बाइक हो या फिर गाड़ी, हर किसी की एंट्री करानी पड़ेगी। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर भी जो है बसें आके जो है रुकती हैं, और यहाँ पर नाइट स्टे करने के लिए बसों के लिए, और काफ़ी टेंट वगैरह भी यहाँ पर जो है उपलब्ध है, क्योंकि यहाँ से जो है लेह की दूरी काफ़ी दूर है, तो इसलिए यहाँ पर जो है लगभग कई बसें यहाँ पर आके नाइट स्टे भी करती हैं। चलिए मिलते हैं अभी। डबल लाइन नहीं, डबल लाइन नहीं, या तो सिंगल ला जाओगे। यहाँ लगा लो, एंट्री करानी है, एंट्री करवा दो दोनों की। यहाँ पर एंट्री करानी है, हमने धारचा चेक पॉइंट क्रॉस कर लिया, और 3-4 किलोमीटर आगे के बाद हमें जो है अगर हम सीधा जाते हैं तो ये जंस्कार वैली जाता है, और वहाँ से आगे आपका सीधा कारगिल की तरफ ये रोड जाता है, लेकिन हमें तो फ़िलहाल अभी ले जाना है, और इसीलिए हम जो है यहाँ से यू टर्न कर रहे हैं राइट हैंड साइड पे। तो अगला हमारा जो स्टॉप होगा वो होगा आपका दीपक ताल।
तो हमारा पड़ाव आ गया है दीपक ताल। दीपक ताल जो है जिसपा से करीब 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है और इसका जो एल्टीट्यूड है समुद्र तल से 12,300 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ पर शानदार पहाड़ व्यू इतने अच्छे अच्छे दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छा एकदम नीला आसमान दिख रहा है आपको, बिल्कुल साफ और पानी बिल्कुल एकदम साफ दिखा था हमें। तो अभी हम जो है ताल की तरफ चलते हैं और थोड़ा सा ताल के आसपास कई और प्रकृति का आनंद लेते हैं। तो हवा कम लग रही है मुझे, हवा कम लग रही है। हाँ पहुंच गए भाई दीपक ताल। चलो दिखाते भाई दीपक ताल। जिस पास करीब आधे घंटे की दूरी पे है ये दीपक ताल देखा, कितना साफ पानी है। अगर आपने दीपक ताल में एक चीज़ नोटिस करी होगी, दीपक ताल में आप देखेंगे तो एक साइड में आपको नीली परछाई दिख रहा है, नीला पानी दिख रहा है और दूसरी साइड में आपको ग्रीन। तो ताल के ऊपर जो है आसमान की जो रिफ्लेक्ट पड़ रहा है उससे नीला भी दिख रहा है और दूसरी तरफ जहाँ पर पानी आपको ग्रीन दिख रहा है वो जो है वहाँ पर एक छोटी सी घास का कुछ थोड़ा सा टुकड़ा है तो उस पर भी उसकी भी परछाई उस पर पड़ रही है। ये भी आपको अगर आप थोड़ा सा बैक करके देखेंगे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं आगे की तरफ और हमें हमारे भेड़ों ने रास्ता रोक लिया था थोड़ी देर के लिए। फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं आगे आपका जिंगजिंग बार। जिंगजिंग बार भी करीब करीब आपका 14,000 फीट की ऊँचाई पर है और यहाँ पर जो है आपको जो है जिंगजिंग बार से पहले थोड़ा सा पहले आपको जो है नीचे आपको ढाबे वगैरह भी मिल जाएंगे और मतलब टेंट वगैरह भी मिल जाएंगे, आपका खाने वाने का भी है और रहने का भी इंतज़ाम है। और ये जिंगजिंग बार की चढ़ाई अभी फ़िलहाल स्टार्ट हो चुकी है। अभी थोड़ा जो है रोड पे काम चल रहा है और ये आप राइट हैंड साइड पे मेरे देख सकते हैं जो है आपके BRO की मशीनें लगी हैं रोड को बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो है काफ़ी काम होता रहता है पूरे साल और BRO हमारा काफ़ी अच्छा जो है काम करता है इधर, यहाँ पर नहीं बल्कि पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ भी BRO काम करता है काफ़ी अच्छे रोड बना रखे हैं इन्होंने। उत्तराखंड में भी हिमाचल में भी काफ़ी अच्छे अच्छे रोड बना रखे हैं और आप देख सकते हैं सामने का व्यू कितना अच्छा है। अभी हम जो है हमने स्टार्ट कर दिया है जिंगजिंग बार की चढ़ाई और मैंने जैसा कि बताया था ये 14,000 फीट की ऊंचाई पर है और काफ़ी पहाड़ भी इतने अच्छे अच्छे सुंदर दिखते हैं कि मैं क्या ही बयां करूं। यहाँ पर आके तो मन बिल्कुल तरोताज़ा हो गया। फ़िलहाल हमारे निशान भाई की बाइक में हवा कम हो गई है और देखते हैं अभी थोड़ा आगे लगा के कि इसमें क्या समस्या है। चलिए मिलते हैं अभी। दोस्तों हम जो जिंगजिंग बार में आ चुके हैं और यहाँ का दृश्य तो काफ़ी अच्छा ही है और आप देख सकते हैं हमारा जो निशान भाई है उसकी बाइक में पंचर हो गया है। हमने सारा टूल किट अपना जो है जितना भी तामझाम है सब निकाल लिया है और भाई की बाइक का पंचर लगाएंगे और यहाँ से हम निकलेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसमें हवा भर रहे हैं, अगर हवा से भी नहीं हुआ कुछ तो
तो फिर हम जो है इसका पिंचर लगा देंगे, हम पे जो है ट्यूबलेस है इनका टायर और उनकी पूरी किट है जिससे हम कर सकते हैं। आइए दिखा दो, ये हमारा सामान भेज गया और आदमी, और ये हमारा कंप्रेसर है वो 25 है, तो दोस्तों हमने जो है निशांत भाई की बाइक में हवा भरी है फिलहाल, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर पंचर होगा तो हम आगे हमें जो है रेस्टोरेंट और जो नाइट स्टे करने की जगह है वहाँ पर हम देखते हैं कहीं अगर कोई पंचर वाला होगा तो हम एक बार चेक करा लेंगे, अगर नहीं मिला तो हम जो है फॉलो करेंगे। चलिए मिलते हैं आपको आगे। तो अभी हम जो है जिंगजिंग बार में थोड़ा आगे चले ही थे और वहाँ से जहाँ हमारी बाइक में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी वहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे और हम आगे आए थे और हमें ये टेंट और रेस्टोरेंट वगैरह दिखे। हम बड़े आराम से यहाँ से निकले और देखते हुए कि कोई शॉप वगैरह हमें दिख जाए पंचर वगैरह की, तो हमें तो कोई नहीं दिखा इसलिए हम आगे की तरफ निकल गए हैं। और हमारी जो निशांत भाई की बाइक में अभी ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई दोबारा कि हवा कम हुई है, और ये एक छोटा सा नैरो पुल बन रहा है जिस पे काम चल रहा है और रोड भी आगे थोड़ा सा तंग हो गया है क्योंकि अब देखिए हमें बाइक दोनों को रोकनी पड़ी क्योंकि आगे बिल्कुल भी जगह नहीं है निकलने की। तो मिलते हैं आपको थोड़ी सी आगे चल के। अब हम आपको जो है दिखाते हैं, रोड थोड़ा सा ख़राब हो चुका है क्योंकि यहाँ पर जो है बर्फ़ ज़्यादा है जो कि रोड के साथ साथ में और वो रोड को भी ख़राब कर देती है। और ये सामने एक जो है ग्रुप आ रहा है जो श्रीनगर से जो है मनाली की तरफ जा रहे हैं, इनका जो टूर है वो ख़त्म होने की कगार पर और हमारा जो है अभी स्टार्ट हो रहा है और हमें इन्हें देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अब हम जो है पहुंच चुके हैं सूरज ताल जो समुद्र तल से करीब करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर है, और सूरज ताल को जो है सूर्य देवता की झील भी कहा जाता है जो कि 12 लाचार जो दर्रा है उसके ठीक नीचे की तरफ है। और इस झील की ऐसी मान्यता है कि अगर यहाँ पर आप डुबकी लगाएंगे तो आपके जो है पाप भी जो है नाश होंगे। और इस झील, ये जो झील है ये 12 लाचा दर्रे के ठीक नीचे की तरफ है और यहाँ से आपको जो व्यू जो है एकदम आप प्रकृति के जो सौंदर्य काफ़ी अच्छा अच्छा है। और यहाँ पर जो है आपको ये ग्लेशियर दिख रहा है, इसी का जो बर्फ़ का पानी है वो इसी झील में आकर मिलता है। अब हम जो है 12 लाचा की तरफ बढ़ रहे हैं फिलहाल, और बीच में एक पागल नाला जो करके एक जगह आती है और वहाँ पर कहते हैं कि, क्योंकि मेरे वीडियो में शायद मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया वो पीछे निकल गया,
एक बीच में पागल नाला जगह पड़ती है। और यहाँ पर कहते हैं कि वैसे तो ये नाला सूखा पड़ा रहता है, लेकिन अचानक और बारिश के वर्षा के टाइम में यहाँ पर इतना तेज़ पानी आता है कि काफ़ी बार जो है यहाँ पर छोटी गाड़ी और बाइक्स जो है दुर्घटनाग्रस्त भी हो चुकी है कई बार। तो फिलहाल हमने वो जो है पागल नाला मिस कर दिया। चलिए मिलते हैं, हम बारालाचा की तरफ चलते हैं अभी। हो, फाइनली हम जो है बारालाचा पास पहुंच गए और करीब 1 बज गया हमें। तो अभी हम जो है बारालाचा पास पे है और यहाँ हमें पहुंचने में करीब करीब मेरे ख्याल से 3 घंटे लग गए जिस पास के पहुंचने में। और दिखाते हैं आपको, तो फोटो भी खींचते हैं अपनी और फिर थोड़ी देर में निकलते हैं, क्योंकि यहाँ जो है ऑक्सीजन लेवल जो है कम है और इसलिए हम मुझे यहाँ जल्द से जल्द। उन्होंने तो एक बार के लिए मना ही कर दिया था लद्दाख के लिए कि नहीं जाना, लेकिन उनको जो है जोश आ गया मुझे देख कि नहीं हमें चलना है। चलो चलते हैं फटाफट, यहाँ ऑक्सीजन लेवल थोड़ा नीचे है। ओ देखो सांस चलने लगी है क्योंकि हाई एल्टीट्यूड है काफ़ी, और ये हमारी आकर्षित हो। तो बारालाचा से हम जो है आगे की तरफ निकल पड़े हैं और अगला हमारा जो डेस्टिनेशन है वो भारतपुर, एक छोटा सा बीच में एक आपका बारालाचा और से थोड़ा आगे चल के एक जगह पड़ती है जहाँ पर आपको रेस्टोरेंट और जो है नाइट स्टे करने की जगह मिल जाती है। और आप बारालाचा से आप नीचे हम थोड़ा सा ही आ गया है और देख सकते हैं कितना रोड कैसा है। और ये अभी आ चुका है भारतपुर गांव, गांव कह रहा हूँ मैं आपको, यहाँ जो है रेस्टोरेंट और नाइट स्टे करने के लिए भी जगह मिल सकती है। और अभी हम फिलहाल यहाँ पर लंच करेंगे क्योंकि 1:30 तो करीब बच ही चुका है और फिर यहाँ से हम जो है निकलते हैं। आज करूँ जाना था, अब कहाँ तक पहुँचेंगे वो देखते हैं फिलहाल। तो हमने यहाँ पर लंच करा, राजमा चावल और काफ़ी अच्छा बना रखा था इन भैया ने, हमें काफ़ी अच्छा खाना मिला इधर और 150 रुपये पर प्लेट इन्होंने राजमा चावल दिया। और यहाँ पर हमने नाइट स्टे के लिए पूछा था कि यहाँ क्या चार्जेस है, तो उन्होंने हमें बताया यहाँ पर हेड जो है 500 रुपीज़ जो है चार्ज किया जाता है। और उन्होंने बताया था हमें जो है आगे भी टेंट वगैरह मिल जाएंगे सरचू के आसपास। फिलहाल अभी हम जो है निकल पड़े हैं, अगला हमारा जो डेस्टिनेशन पॉइंट होगा वो होगा सरचू। तो फिलहाल आप जो है मज़ा लीजिए ये सुंदर सुंदर व्यू।
तो फिलहाल आप मेरे राइट हैंड साइड में जो देख रहे हैं ये आपको टेंट वगैरह हैं जो कि सरचू यहाँ से स्टार्ट हो चुका है और हम यहाँ से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे जो है सरचू चेक पॉइंट है जहाँ पर हमें एक बार फिर एंट्री करानी होगी। और आप राइट हैंड साइड पे देख ही रहे होंगे ये टेंट कितने ज़्यादा है यहाँ पर, और यहाँ पर भी जो है टेंट आपको आराम से आसानी से मिल जाएगा। ये 12 लाचा क्रॉस करने के बाद आता है और आपका जो दूसरा एक और टॉप है लाचुंगला, उसके लाचुंगला टॉप है उससे पहले आता है सरचू, तो जहाँ पर ये आपको ये टेंट वगैरह भी मिल जाएंगे। और अभी हम जो है थोड़ा सा आगे चलेंगे और अपने बाइक्स की एंट्री कराएंगे। फ़िलहाल आप देख लीजिए यहाँ पर कितने सारे जो है टेंट है, और साथ में यहाँ पर आप जो है एक नाइट ज़रूर रुकें, एक दिन आप अच्छे से व्यतीत करें। यहाँ पर ये काफ़ी ऊंचाई पर है लेकिन यहाँ पर आपको जो है व्यू जो प्रकृति का आनंद है काफ़ी अच्छा आप देखेंगे यहाँ पर। और फिलहाल अभी हम जो है आगे की तरफ चलते हैं और रोड बिल्कुल मस्त एकदम स्ट्रेट है। चलिए मिलते हैं अभी हम आपको। तो अभी हम जो है सरचू पहुंचने वाले हैं, यहाँ से 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है हमें दिखा रहे हैं। और मैं आपको एक और जो है बात बता रहा था कि जैसे ही आपका सरचू 1-2 किलोमीटर बच रहा होता है तो उससे जो है पहले एक एल बैंड है जो कि ये आया अभी, ये काफ़ी डेंजरस है। आप जो है ध्यान रखिए अगर आप सरचू पहुंचने वाले, ये वाला जो जो कट है एल बैंड, ये काफ़ी आपको लास्ट मोमेंट पे एकदम आपको दिखेगा। तो आप जो है यहाँ पर जो है अपनी बाइक को ज़रा स्लो चलाइएगा, क्योंकि हमने तो ये देख लिया था कि कई बाइकर्स जो है काफ़ी स्पीड में चलते और ऐसी जगहों का जो है नज़रअंदाज कर देते। तो प्लीज़ जो है थोड़ा देख के आप जो है बाइक्स चलाइए। अभी फ़िलहाल जो हम एंट्री करवाते हैं अपनी बाइक्स की और फिर यहाँ से निकलते हैं आगे की तरफ।
तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं सरचू को। आप ये मेरे राइट और लेफ्ट साइड में दोनों तरफ देख सकते हैं, रेस्टोरेंट भी है और नाइट स्टे करने के लिए यहाँ पर जो है होटल भी बने हुए थे। और अभी हमने सरचू क्रॉस कर लिया और सरचू क्रॉस करने के बाद ये एक पुल आया है जो कि एक नदी पे बना हुआ है। अभी नदी का मुझे नाम जो है याद नहीं आ रहा, ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी, ये आप देख सकते हैं। और ये गाटा लूप्स भी स्टार्ट हो चुके हैं, यहाँ से थोड़ा और आगे चल के हमें गाटा लूप्स का बोर्ड भी दिखाई दिया। और साथ में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, गाटा लूप्स ये आपको दिख भी रहे होंगे ऊपर जो है लूप्स बने हुए हैं, ये 14 या 21 है और जो करीब 17,000 फीट की ऊँचाई पर बने हुए हैं। और गाटा लूप्स की मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर एक जो है छोटा सा मंदिर बना रखा है और वहाँ पर जब गाटा लूप्स समाप्त होने वाला होता है तो उससे पहले ये जो आप देखेंगे ये लेफ्ट हैंड साइड पे बोतलें भी हैं बहुत सारी और एक छोटा सा मंदिर भी किसी ने बना रखा है। तो यहाँ की कोई कहानी है, कोई खौफनाक कहानी है और इसे जो है छोटे से मंदिर को जो है भूत का छोटा सा घर भी कहा जाता है। अब इस कहानी का तो मुझे पता नहीं है, कंफर्म नहीं है क्या बात है, लेकिन यहाँ पर जो है लोग जितने भी राइडर्स आते हैं यहाँ पर जो है पानी की बोतलें और सिगरेट वगैरह चढ़ा के जाते हैं। यहाँ ये जो भी जितने भी आते हैं तो हमें ये नहीं पता था, तो हमने ये भी देखा यहाँ पर और इसके बारे में जो है हमने जानकारी लेने की कोशिश करी लेकिन हमें जो है इसके बारे में नहीं पता लगा। चलिए मिलते हैं, अगर किसी को पता हो तो ज़रूर बताइए अगर किसी ब्लॉग में हमें। तो चलते हैं अभी हम जो है नकीला टॉप्स की तरफ, नकीला दर्रा की तरफ। अब हम जो है नकीला दर्रा पहुंच चुके हैं और नकीला दर्रा आप देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है, जो नकीला दर्रा की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो करीब 15,500 फीट की ऊंचाई पर और ये जंस्कार रेंज में पड़ता है, एक पर्वत पड़ता है। और जो यहाँ का जो रोड है नकीला दर्रा के, तो कोई एक संकरा भी है और काफ़ी जो है रोड इतना अच्छा नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो काफ़ी हाइट पे है और रोड भी जो है जो यहाँ पर काफ़ी ख़राब है। तो लेकिन जो यहाँ के पहाड़ है इतने सुंदर है और बिल्कुल आपको एक अलग मतलब अलग ही नज़रिया है, यहाँ पर हर व्यू एक से बढ़कर रहेगा। मैं तो ऐसे व्यू देख के मैं काफ़ी खुश हूँ और मुझे तो पूरा मज़ा आ रहा है भैया यहाँ पर जो है आकर। और ये आगे आपका बिस्की नाला, तो बिस्की नाला भी ये भी एक जैसे पागल नाला है इसी तरीके से ये बिस्की नाला भी है, ये भी कभी भी जो है फान पे एकदम अचानक हो जाता है। और ये इसके ऊपर बिस्की नाला के ऊपर आप देख सकते हैं दो ब्रिज बन रहे हैं, एक ये बन रहा है एक इससे बड़ा वाला भी बन रहा है। तो इसके बाद हम आगे बिस्की नाला से आगे की तरफ चलते हैं और इसके बाद आएगा लाचुंगला दर्रा, ये भी करीब 16,000 फीट की ऊंचाई पर जो कि आगे आने वाला है। और लाचुंगला दर्रा से पहले कोई छोटी सी जगह है इसका नाम भी भूल गया हूँ क्योंकि हम यहाँ पर रुके नहीं थे और हम जो है सीधे ही यहाँ से निकल लिए थे आगे की तरफ। आपको एक और बात बतानी थी कि लाचुंगला जो दर्रा है इसकी हम पे वीडियो डिलीट हो गई थी गलती से, तो इसका हम जो है वीडियो आपको नहीं दिखा पाए, तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। बाकी अभी फ़िलहाल हम जो पहुंच चुके हैं पांग घाटी के अंदर, तो अभी हम जो है पांग घाटी के अंदर है और ये हमारे साइड में एक छोटी सी आप एक नाला कह सकते हैं रिवर कह सकते हैं, ये मुझे इसका आइडिया नहीं है क्या है, लेकिन ये इसमें थोड़ा थोड़ा जो है पानी बह रहा है तो हो सकता है ये बरसात में काफ़ी ज़्यादा भी बहता होगा और इसके बारे में मुझे कोई ज़्यादा वो नहीं। और पांग घाटी जो है बिल्कुल एक इसकी जो सुंदरता है वो एक अलग ही उसमें है, पीछे हमने कहीं पर छोटे छोटे
पहाड़ देखे थे बजरी वाले, कहीं पर रेत वाले, यहाँ पर तो अलग ही तरीके के जो है पहाड़ दिख रहे हैं। और ये तो अपना अपने आप में ही एक काफ़ी सुंदर है। तो बाकी देखने और प्राकृतिक आनंद हम जो है लेते हुए चल रहे हैं यहाँ पर पूरा आराम से, हमें कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि हमें शाम को शाम के करीब 5 बज चुके हैं और अभी हम जो पांग की घाटी है उसके अंदर चल रहे हैं। और यहाँ से पांग जो है करीब 10 से 15 किलोमीटर हमारे जो है शो कर रहा है। और दूसरी बात, हम जो है आज जो है करूँ नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि शाम को ऑलरेडी 5 बज चुके हैं और हमने जो पहले ही आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हम जो है दिन दिन में ड्राइव करेंगे और हम जो है आराम से प्राकृतिक का आनंद लेते हुए चलेंगे। हमें कोई ऐसे जल्दबाजी नहीं है कि हम जो है बस भागा दौड़ में निकलते चले निकलते चले। तो फ़िलहाल तो हम जो है अपने बाइक का भी आनंद उठा रहे हैं चलाते, और जो है पूरे रोड का, पूरे प्रकृति का पूरा आनंद लेते हुए जा रहे हैं। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट करी जो अभी मैं आपको बता रहा था कि नदी जो है वो हमारे राइट हैंड साइड पे चल रही थी, अभी ये छोटा सा पुल या आई और इसे हमने क्रॉस करा, वो नदी हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे चली गई थी, वो छोटा जो पानी बह रहा था। और ये जैसी थोड़ा और हम आगे आए तो ये आप हमें देख सकते, जो हमारे राइट हैंड साइड पे बिल्कुल पानी चल रहा था, मुश्किल से 3-4 फुट नीचे गहराई थी उसकी, और थोड़ा और आगे चल के ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे कितनी गहरी खाई आ चुकी है हमारे। और ये यहाँ से जो रोड है पांग का और संकरा हो चुका है, और आप देख ही सकते हैं ये सामने से एक टेम्पो आ रहा है और हमें जो दोनों को है साइड में बाइक रोकनी पड़ी, क्योंकि आगे इधर से जो है रोड और जो है नैरो हो चुका है। तो हमने, और यहाँ पर जो है रोड बिल्कुल कच्चा है और जो रोड पे तो बिल्कुल बालू और वो बजरी होती है तो फिसलन का ज़्यादा चांस रहता है, तो और बारिश में तो और भी ज़्यादा। तो हम तो बिल्कुल आराम आराम से गए यहाँ से, और इधर के जो है पहाड़ियों का हमने पूरा आनंद उठाया। तो फिलहाल चलते हैं। और अच्छा, एक बात और बतानी थी, जो पांग है वो करीब करीब आपका समुद्र तल से 15,500 फीट की ऊंचाई पर है, और यहाँ की जो पहाड़ी है ऊबड़ खाबड़ और भूरी चोटियाँ अलग सी दिखती है, ऐसी तो मैंने अभी तक देखी नहीं थी, और यहाँ आने के बाद इसका अलग ही एक मज़ा आया गया। और पांग में जो है रहने के लिए स्टे भी है, रेस्टोरेंट भी है और 2-4 होटल भी बने हुए हैं, ग्राउंड फ्लोर पे टाइप ही बने हुए हैं, मतलब जो है आप ये नहीं कह सकते वो कोई 5 स्टार वगैरह जैसे होटल है, लेकिन ये है कि बस आपको नाइट स्टे करने के लिए के जैसे ही बस आप नाइट स्टे कर सकते हो, और कुछ ऐसी कोई ज़्यादा कोई खास सुविधा है नहीं लाइट वगैरह की भी। लाइट भी वो सिर्फ पांग में आपको शाम को 7 बजे से लेके रात को 11 बजे तक जो है प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है लाइट का कोई प्रबंध नहीं है, जो भी लाइट आती हैं वो जनरेटर चलाते हैं। तो जो ये यहाँ पर टेंट वाले हैं और होटल वाले, उन्होंने एक कॉमन शायद जनरेटर यहाँ पर ले रखा है, और उसी से ये जो है आपकी लाइट जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और उनका एक फिक्स टाइम उन्होंने बताया था हमें होटल वालों ने कि शाम को 6 या 7 बजे से लेकर रात को 10 या 11 बजे के बीच तक ही जो है हम लाइट प्रोवाइड कराएंगे, और उसमें भी जो है सिर्फ एक आपके टेंट में एक बल्ब मिलेगा और कोई चार्जिंग वार्जिंग का कोई सीन नहीं होगा, बस आप आए खाना वाना खाएं और आराम से सो जाएं। तो फिलहाल ये घाटी का आप मज़ा लीजिए, हमने तो ये पूरी घाटी का मज़ा लिया है, तो बहुत सुंदर घाटी थी एक। तो फिलहाल मिलते हैं आपको हम जो है नेक्स्ट ब्लॉग में।
हम जो है फाइनली पांग पहुंच चुके हैं, और हमने ये राइट हैंड साइड में जो आपको टेंट दिख रहा है ये ही टेंट लिया था। पर हेड 300 रुपये इन्होंने चार्ज करा था और होटल का बताया था 500 रुपये। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले। जय भोले की। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है हिमालयन आकर्षित। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कल एक नए सफ़र के साथ।